नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले जिसका नाम है एज यू लाइक इट दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कुछ की फैक्ट्स बता देता हूं इस कहानी का फुल टाइटल जो है वो है एज यू लाइक इट माना जाता है विलियम शेक्सपियर ने इसे पंद्रह में, में लिखा था और इसका जोनर एक पास्टरल कॉमेडी है जिसे विलियम शेक्सपियर ने पांच एक्स में लिखा था पब्लिकेशन डेट है फर्स्ट फोलियो में आया था सोलह में इसका प्रोटागोनिस्ट है और, और दोस्तों इसकी अधिकतर सेटिंग जो है वो है फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में दोस्तों बढ़ते हैं आगे इस कहानी के करेक्टर्स की तरफ दोस्तों शुरू करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक न्यूज है जो लोग इंग्लिश से टीजी टी पीजीटी या फिर एल्टी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो लिटरेचर और रेनर मार्टिन का बैच हमारे पास चल रहा है जिन लोगों को लिटरेचर के नोट्स चाहिए वो टीजीटी पीजीटी और एल्टी ग्रेड के लिटरेचर के नोट्स हमारे पास आपको मिल जाएंगे जिन लोगों को सिर्फ रेन एंड मार्टिन पढ़नी है उन लोगों को रेन एंड मार्टिन का बैच मिल जाएगा जिन लोगों को सिर्फ ग्रामर के नोट्स चाहिए उनको ग्रामर के नोट्स मिल जाएंगे आप हमें इन इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले करेक्टर से इस प्ले का सबसे पहला करेक्टर है ड्यूक सीनियर इसकी एक बेटी है जिसका नाम है रोजालिन दोस्तों इसका एक भाई भी है जिसका नाम है ड्यूक फेडरिक की एक बेटी है ने किया. इसने क्या किया? अपने ही भाई को इसका साम्राज्य से हटा दिया और इसे फॉरेस्ट ऑफ वर्डन में जाने के लिए छोड़ दिया यानी कि इसका पूरा का पूरा ड्यूक सीनियर का साम्राज्य इसने छीन लिया किसने इसके छोटे भाई ने फेडरिक ने और इसकी एक बेटी है सीलिया दोस्तों ड्यूक सीनियर की बेटी को इसने अपने पास ही रख लिया था इसे तो इसने जंगल में जाने के लिए छोड़ दिया लेकिन ड्यूक सीनियर की बेटी को अपने पास ही रख लिया क्यों रख लिया क्योंकि दोस्तों सीलिया जो है की एक लोती बेटी है और रोजालिन जो है रोजालिन के साथ सीलिया की अच्छी प्रत्या ये दोनों चचेरी बहन होने के साथ साथ एक अच्छी मित्र भी हैं तो दोस्तों इसीलिए इसने फेडरिक ने इसे अपने पास रख लिया था इसके अलावा दोस्तों इसका अगला करेक्टर है टच स्टोन दोस्त टच स्टोन जो है उसमें से, से, उस से सबसे फेमस जो है फूल जो है है फूल वो टच स्टोन ही है दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे अगले करेक्टर की तरफ इसमें अगला करेक्टर है एक रेसलर जिसका नाम है चार्ल्स दोस्तों इस चार्ल्स की कुश्ती होती है हमारे हीरो के साथ अभी आगे हमें ये स्टोरी में पता चलेगा दोस्तों इसके अलावा इसमें एक करेक्टर है ओलिवर ओलिवर जो है सर रोलैंडी बॉयस का बेटा है सर रोलैंडी बॉयस का सबसे बड़ा बेटा है प्ले के स्टार्टिंग में ही सर रोलैंडी बॉयस की मृत्यु हो जाती है मैं आपको स्टोरी जब समझाऊंगा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में ये स्टोरी आएगी आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले करेक्टर की तरफ इसका जो सर रोलैंडी बॉयस का दूसरा बेटा है वो है जैकस तीसरा बेटा जो है दोस्तों इसका है ओरलैंडो ये तीन इसके बेटे हैं किसके बेटे हैं दोस्तों ये सर रोलैंडी बॉयज के बेटे हैं इसके अलावा दोस्तों इनका एक नौकर भी है जो है जिसका नाम है एडम एडम जो है ये दोस्तों बहुत ही पुराना और फेथफुल सर्वेंट है इनका तो दोस्तों ये थे इसके ओ, मेजर कैरेक्टर्स तो साथ में इसके कुछ और भी सएफर्ड कैरेक्टर हैं मैं स्क्रीन पर आपको फ्लैश करता रहूंगा साथ-साथ जब वो स्टोरी में उनका नाम आएगा ये थे दोस्तों इस प्ले के करेक्टर्स अब चलते हैं इस प्ले के स्टोरी की तरफ। दोस्तों इस प्ले की स्टोरी कि ड्यूक्रिक ने अपने भाई ड्यूक सीनियर के साथ धोखा किया है और उसका सारा का सारा राजपाट हड़प लिया है दोस्तों इसने ड्यूक सीनियर को जाने के लिए छोड़ दिया फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में लेकिन उसकी बेटी रोजालिंड को अपने पास रख लिया क्यों रख लिया क्योंकि इस ड्यूक की एक बेटी भी है जिसका नाम है सीलिया अब इस सीलिया का मन लगाने के लिए रोजालिन को उसने रख लिया दोस्तों सीलिया और रोजालिन चचेरी बहन तो है ही साथ में इनका एक अच्छा रिश्ता है दोस्ती का ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं कहानी के दूसरे हिस्से में सर रोलैंडी बॉयज की मृत्यु हो चुकी है उनके तीन बेटे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया जो कि पहला बड़ा बेटा है उनका ओलिवर दूसरा बेटा है जैकस और तीसरा बेटा है उनका ओरैंडो दोस्तों ये सर रोलैंडी बॉयस के बेटे हैं सर रोलैंडी बॉयस की जब मृत्यु हो रही होती है प्ले की स्टार्टिंग में तो वो अपने बेटे ओलिवर से कहते हैं कि तुम्हें अपने दोनों भाई दोनों का ध्यान रखना है इन दोनों की सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है तब तो दोस्तों ये अपने पिता से हाँ कह देता है लेकिन बाद में ये धोखा करता है वो सारी की सारी संपत्ति Ikela ही हड़प लेता है और इन दोनों को कुछ भी नहीं देता तो दोस्तों किसके पास सारी संपत्ति है अभी ओलिवर के साथ सारी संपत्ति है अब दोस्तों ये ओरलैंडो जो है हमारा हीरो वो सर्वेंट जो है एडम उससे शिकायत कर रहा है क्या शिकायत कर रहा है कि ओलिवर ने संपत्ति सारी हड़प ली उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो दोस्तों ये जो ओरलैंडो है शिकायत किससे कर रहा है एडम से क्योंकि ये बहुत पुराना इनका सर्वेंट है उसी से ये शिकायत कर रहा है इनकी बातचीत के दौरान दोस्तों ओलिवर भी वहां पर आ जाता है जब ये दोनों बात कर रहे हैं तो ओलिवर भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है यहाँ पर आ जाता है ओलिवर के साथ में आते ही इसकी झड़प जो है ओरलैंडो से होने लगती है बहस होने लगती है इन दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि आपस में हाथापाई का माहौल भी बन जाता है लेकिन दोस्तों ये जो बूढ़ा सर्वेंट है बीच में आ जाता है वो ओरलैंडो और ओलिवर को समझाता है और उन्हें लड़ाई से बिछाते हुए ओरलैंडो को वहां से लेके चला जाता है है अब दोस्तों ये ओलिवर जो है अपने भाई ओरलैंडो को मारना चाहता है लेकिन इस ओरलैंडो की दोस्तों कुश्ती होने वाली है अगले ही दिन एक प्रोफेशनल रेसलर से जिसका नाम है चार्ल्स अब चार्ल्स आता है ओलिवर के पास वो कहता है कि तुम्हारे भाई ने कल कुश्ती में पार्टिसिपेट किया है अब वो कल को उसकी कुश्ती जो है वो मेरे साथ है तुम जाओ ओरलैंडो को समझाओ और उससे कहो अपना नाम वापस ले ले। दोस्तों लेकिन ये ओलिवर इस चार्ल्स से क्या कहता है कि तुम जाओ और जाकर तैयारी करो क्योंकि मेरा भाई ओरलैंडो तुम्हें कुश्ती में हराने वाला है और हराने वाला है उसने तो इतनी तैयारी भी की है कि वो अपने साथ जहर लेकर आएगा वो तुम्हें कल जान से मार देगा दोस्तों अब ये चार्ल्स ओलिवर की बात सुनकर भड़क जाता है अब वो कहता है कि ठीक है इसका फैसला तो कुश्ती में ही होगा अब दोस्तों कुश्ती का जो आयोजन है वो कौन करा रहा है कुश्ती कौन करा रहा है ड्यूक इस कुश्ती कुश्ती को करा रहा है जब दोस्तों ये चार्ल्स के लिए आता है तो इसने आते ही तीन रेसलर्स को पहले ही खदेड़ दिया है बुरी तरह से उन्हें पीटा है अब बात आती है ओरलैंडो की ओरलैंडो तो एक यंग बॉय है जिसे देखकर सीलिया और रोजालिन उसको लड़ने के लिए मना भी करती हैं लेकिन ये ओरलैंडो दोस्तों लड़ाई में आ जाता है अब इसकी लड़ाई किससे होने लगती है चार्ल्स से एक प्रोफेशनल रेसलर है लेकिन इसका जो है ओरलैंडो का भाग्य साथ देता है और वो इसको मात दे देता है दोस्तों इसको पीट देता है चार्ल्स को पीट देता है और कुश्ती को जीत जाता है जिसके बाद रोजालिन और सीलिया इसको पसंद करने लगती हैं रोजालिन इसको एक्चुअली पसंद करने लगती है सीलिया उसके साथ जाती है और ये दोनों उसको जाकर एक चैन देती हैं एक्चुअली चैन जो देती है वो देती है रोजालिन रोजा से कहती है कि मुझे लगता है कि ओलिवर तुम्हें पसंद आने लगा है तो दोस्तों ये सुनने के बाद वो यहां से चली जाते हैं तो दोस्तों फेडरिक भी बहुत खुश है कि एक यंग लड़के ने इस कुश्ती को जीत लिया लेकिन अभी उसे ये पता नहीं है कि ये जो बेटा है किसका है सर रोलैंडी बॉयज का ये बेटा है और सर रोलैंडी बॉयज जो थे वो ड्यूक फेडरिक के दुश्मन थे अब दोस्तों ये अभी तक दुश्मनी को नहीं भूले हैं उन्होंने क्या किया जब उन्हें पता चलता है ओरलैंडो जो है है उन्हीं का बेटा है, तो वो जाते हैं के के पास के पास जाकर कहते हैं कि ने जो ओरलैंडो है है मेरा दुश्मन का बेटा उसे यहां बुलाया है, और उसे बुलाने के लिए इस, बुलाकर इस कुश्ती में पार्टिसिपेट भी कराया है इसलिए तुम अभी के अभी मेरे महल से निकल जाओ और अपने बाप के पास जाकर जंगल में सड़ो तो दोस्तों ये रोने लग जाती है इसके बाद सीलिया इससे कहती है कि मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद तुम्हें ही यहां का शासन दिया जाएगा और रही बात जंगल जाने की तो तुम फिक्र मत करो मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में चलूंगी अब दोस्तों ये रोजालिन और सीलिया एक लड़की का भेष बना लेती हैं। रोजालिन किसका भेष बना लेती है, है दोस्तों गैनीमीड नाम के एक लड़के का भेष बना लेती है और सीलिया एक एलिना नाम के लड़के का भेष बना लेती है और ये भेष बदल के कहां चले जाते हैं दोस्तों दोनों की दोनों जंगल में चली जाती हैं जंगल में जाने के बाद दोस्तों ये एक वहां पर कुटी में रहने लगती हैं वहां पे जाती हैं तो ये भेड़ बकरी बेचने का काम करने लगती हैं तो दोस्तों याद रखना है जब सीलिया और रोजालिन दोनों की दोनों ये जंगल में जाती हैं तो क्या करती हैं वहां पर जाकर ये भेड़ बकरी बेचने का काम करने लगती हैं अब दोस्तों फेडरिक जो है अब दोस्तों ओरलैंडो जो है उसे भी ऐसा लगता है कि फेडरिक जो है अब उसे मार डालेगा जो फेडरिक है उसे मार डालेगा इसलिए ओरलैंडो भी अपने नौकर एडम को लेकर वो भी जंगल में भाग जाता है अब दोस्तों जंगल में सीलिया भी चली गई रोजाल भी चली गई ओरलैंडो भी चला जाता है रास्ते में जाते जाते दोस्तों इस सर्वेंट को यानी कि एडम को इतनी ज्यादा भूख लगती है वो ओरलैंडो से कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भूख मुझे मार ही डालेगी अब ओरलैंडो उसके लिए खाना तलाश करने लगता है तो उसे एक ग्रुप दिखाई देता है जो ग्रुप है ड्यूक सीनियर का पहले तो वो उन्हें जंगली लोग समझता है जंगली लोग समझने के साथ साथ वो उनसे खाना मांगता है एक अलग ही तरीके से जैसे जंगली लोगों से खाना मांगते हैं लेकिन ड्यूक सीनियर उनके साथ बहुत ही शिष्टाचार से बर्ताव करता है और कहता है कि बेटा यदि तुम्हें भूख लगी है तो तुम हमारे साथ बैठकर खाना खा सकते हो तो दोस्तों ओरलैंडो और एडम वहां बैठकर खाना भी खाते हैं और इसके साथ रहने भी लग जाते हैं ड्यूक सीनियर के साथ अब दोस्तों ये ओरलैंडो जो है जंगल में यहां वहां भटक रहा है और भटकते भटकते इसने बहुत सारी पेड़ों पर कविताएं लिख दी हैं वो कविताएं किसके लिए लिख रहा है अपनी प्रेमिका रोजालीन के लिए लिख रहा है अब दोस्तों जंगल में रोजालिन भी है और सीलिया भी है रोजालिन जो है वो गैनीमेट करके जो एक लड़का बनी हुई है और सीलिया एलिना बन के घूम रही है अब दोस्तों ये दोनों जंगल में घूमती हैं रोजालिन कंफ्यूज हो जाती है कि जंगल में घने जंगल में उसके लिए कौन कौन ऐसी ऐसी कविताएं लिख रहा है जो उसके लिए प्यार को जता रही है एक दिन जब ये दोनों लड़के के भेस में थी तो इनको ओरलैंडो से मुलाकात हुई अब ओरलैंडो से मुलाकात हुई ओरलैंडो ने बताया कि ये सारी की सारी कविताएं वो अपनी प्रेमिका रोजालिंड के लिए पेड़ों पर लिखता है और वो उससे बहुत प्यार करता है अब दोस्तों ये रोजालिंड जानना चाहती है कि वो ओरलैंडो कितना प्यार करता है उससे जो कि अभी एक लड़के के भेस में है वो कहती है कि तुम मुझे अभी रोजालिंड ही समझो और अपना प्यार को व्यक्त करो मैं जानना चाहता हूं कि कोई इंसान कितना प्यार कर सकता है किसी से तो दोस्तों ये ओरलैंडो जो है रोजा लिन जो अभी एक लड़के के भेस में है गेनीमीड के भेस में उसके लिए अपना प्यार व्यक्त करता है उसके बाद रोजा लिन को यह पता चलता है कि ओरलैंडो ही रोजा लिन से सच्चा प्यार करता है दूसरी तरफ दोस्तों ड्यूक फेडरिक को यह लगता है कि ओरलैंडो की बेटी जो सीलिया है वो किसके साथ भाग गई है ओरलैंडो के साथ भाग गई है अब दोस्तों ये जो ड्यूक फेडरिक है वो जाता है ओलिवर के साथ उससे कहता है कि तुम्हारा भाई ओरलैंडो मेरी बेटी सीलिया को लेकर भाग गया है यदि तुम्हें अपनी संपत्ति प्यारी है तो जाओ तुम्हारे पास एक साल का समय है तुम जाके अपने भाई ओरलैंडो को ले आओ और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी सारी की सारी संपत्ति को छीन लूंगा अब दोस्तों ओलिवर भी जो है जंगल की तरफ को निकल लेता है जब ये जंगल को तरफ जाता है ढूंढने के लिए ओरलैंडो को तो ये ओरलैंडो को ढूंढने में कामयाब हो जाता है लेकिन दोस्तों ओरलैंडो के ढूंढने में कामयाब तो हो जाता है लेकिन इस पर एक शेरनी हमला कर देती है ओलिवर पर एक शेरनी हमला कर देती है और अपने भाई को बचाने के लिए ओरलैंडो बीच में आ जाता है यानी कि वो शेरनी से ही लड़ने लगता है अब जब इस ओरलैंडो को पता लगता है कि मेरा भाई मेरे लिए एक शेरनी से भी लड़ रहा है तो इसका दिल थोड़ा पिघल जाता है तो दोस्तों इसको ऐसा लगता है कि जो उसका भाई है वह उसको गलत समझ रहा था तो ओरलैंडो से वो बहुत ही अच्छे से बिहेव करने लगता है उसको सोचता है कि मेरा भाई है ये है वो है मतलब इन दोनों के बीच में प्यार उमड़ने लगता है लेकिन दोस्तों ये ओरलैंडो शेरनी से लड़ते लड़ते घायल हो जाता है ये अपने भाई ओलिवर से कहता है कि तुम मेरे मित्र गेनीमीड और एलिना के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं आज उनकी कुटी पर उनसे मिलने नहीं आ सकूंगा क्योंकि मेरी आज हालत खराब है तो दोस्तों ये ओलिवर जाता है उन दोनों की कुटी पर तो जाकर वो देखता है सीलिया को उसके एक्चुअली भेस में अभी सीलिया जो है वो एलिना के भेस में नहीं है उसको एक्चुअली भेस में देख लेता है और ओलिवर अपने भाई ओरलैंडो से आकर कहता है कि मुझे जो है सीलिया के साथ शादी करनी है दोस्तों ओरलैंडो इस पे बहुत खुश होता है कि ओलिवर को शादी करनी है सीलिया के साथ और उसे शादी करनी है रोजालिंड के साथ दोस्तों इन दोनों का तो हिसाब हो जाता है बढ़िया क्योंकि इन्हें अपनी शादी करने के लिए लाइफ पार्टनर मिल गए हैं लेकिन दोस्तों रास्ते में अब क्या होता है बहुत ही बड़ी बाधा आ जाती है वो किस तरह की बाधा है दोस्तों अब जो ये रोजा लिंड है, ये है एक लड़का बन के रहती है जिसका नाम है गेनीमीट अब इससे एक लड़की प्यार करने लगती है जिसका नाम है फेब दोस्तों इस फेब को ये रोजालिन बार बार समझाती है कि तुम्हें जो है मैं पसंद नहीं करती तुम्हें सिल्वियस जो है वो ज्यादा पसंद करता है और वो तुम्हें बहुत प्यार भी करता है लेकिन दोस्तों इस फेब को तो गैनीमिट पे प्यार हो गया है जो एक्चुअल में रोजालिन है अब वो उसे बहुत समझाती है लेकिन फेब नहीं मानती उसको बार बार कहने लगती है दोस्तों ये सब जानने के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि फेब से तो क्योंकि फेब एक लड़की है और रोजालिन भी एक्चुअली एक लड़की है वो उससे प्यार करने लगती है अब दोस्तों इस कहानी में एक नया मोड़ भी आता है जो कि इनके साथ फूल आया था फूल जो है तच्च श्टोन। तच्च श्टोन जो और सीलिया के साथ जंगल में आया था जब सीलिया और रोजालिंड वहां से निकले थे तो इनके साथ टच स्टोन भी आया था दोस्तों इस टच स्टोन को एक लड़की से प्यार हो गया है जिसका नाम है ओडरे लेकिन ओडरे से प्यार करता है एक विलियम नाम का आदमी अब दोस्तों इस विलियम से टचस्टोन क्या करता है एक मैच रखता है उस मैच में उस गेम में उसको ऑर्डरे को जीत लेता है अब टचस्टोन जो है विलियम से क्या कहता है कि देखो अब मैंने तुम्हें तुमसे इसको जीत लिया है लेकिन अब तुम कभी भी मेरे रास्ते मत आना अगर तुम आए मेरे और ऑर्ड्रिक के बीच में तो मैं तुम्हें मार दूंगा अब दोस्तों इसका भी सेट हो गया जो इनका फूल है वो भी ऑर्डरे नाम की लड़की के साथ सेट हो गया अगले दिन जंगल में शादी का माहौल होने लगता है शादी बना शादी के लिए सब लोग रेडी हो जाते हैं अब इसमें यहाँ पर चार जोड़े होते हैं रोजालिन की शादी किसके साथ होनी होती है दोस्तों ओरलैंडो के साथ सीलिया की शादी किस किसके साथ होनी होती है ओलिवर के साथ टेचस्टोन की शादी किसके साथ होनी है ओड्रे के साथ सिल्वियस की शादी किसके साथ होनी है फैबे के साथ ये सब निर्णय लिया जाता है लेकिन रास्ते में एक बाधा है कि इस रोजालिन और सीलिया को जंगल में लेके कौन आएगा शादी के लिए क्योंकि अभी तक तो ये लड़का बनी हुई है

तो वो भी बड़ा ही उत्सुक है कि उसकी बेटी रोजा लिंड कल जंगल में आने वाली है और वो उससे मिल पाएगा अब दोस्तों ये रोजा लिंड और सीलिया अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं और वो इन सारे लोगों को बताती हैं कि वो कैसे इस जंगल में आए दोनों की दोनों वो किस तरह से इस जंगल में आई और वो कैसे अभी तक भेज बदल के रह रही थी एक्चुअली वो रोजा और सीलिया ही है अब दोस्तों वहां पे जंगल में सब ये जानकर बहुत खुश हो जाते हैं शादी का माहौल बनने लगता है इसकी खबर पहुंचती है ड्यूक फेडरिक को ड्यूक फेडरिक को पता लगता है कि उसके खिलाफ जंगल में बहुत सारे लोग हो गए हैं और वो एक ग्रुप बनाकर उस पर हमला भी कर सकते हैं तो ये क्या करता है दोस्तों फेडरिक अपनी सेना को लेकर फॉरेस्ट ऑफ अडन में जाने लगता है लेकिन रास्ते में जाते समय इसे एक हर्मिट मिलते हैं साधु मिलते हैं जो इसको प्रवचन देते हैं उनके प्रवचन सुनने के बाद ये बहुत ही ज्यादा उनसे प्रभावित होता है और उनके साथ ही चला जाता है अपना पूरा का पूरा साम्राज्य किसको दे देता है ड्यूक फेडरिक जो है अपना पूरा साम्राज्य अपने बड़े भाई जो एक्चुअली इसके दावेदार हैं ड्यूक सीनियर उनको दे देता है अब दोस्तों इसी के साथ सब लोगों की शादी हो जाती है सब लोग बड़ी खुशी के साथ रहने लगते हैं और ये फेडरिक जो है उस साधु के साथ चला जाता है इसी के साथ दोस्तों ये प्ले खत्म होता है मिलते हैं एक नए प्ले के साथ तब तक के लिए हिंद